In this video, we have discussed about unit number 2, understanding the disciplines. In previous video, we have discussed about unit number 1. इस वीडियो में हम इस यूनिट को टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव डिस्कस व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 1, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन. एजुकेशन का हमें एनालिसिस करना है कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन क्यों है, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट एज अ वाइडर स्कोप क्यों है, ये हमें बताना है. तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स रीडिंग. क्रिटिकल एनालिसिस में रीडिंग आ जाता है एंड थिंकिंग आ जाता है अबाउट एनी इशू फॉर डेवलपमेंट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग. इसमें हम डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी चीज़ का. एकेडमिक डिसिप्लिन जानते हैं हम, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज़ यूजअली टॉट इन द कॉलेज एंड हायर एजुकेशन. तो इस प्रकार से एजुकेशन को भी हायर एजुकेशन पर टॉट किया जाता है, लाइक बी एड, एम एड. इसलिए एजुकेशन एक भी एक है एजुकेशनल डिसिप्लिन एरिया ऑफ स्टडी है. तो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, इफ़ वी लुक क्लोजली इन एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, वी विल फाइंड आउट देयर इज़ अ सिंगल एरिया इन इट कंसिस्ट साइकोलॉजी. क्योंकि एजुकेशन में साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सभी तरीके का एरियाज कंसिस्ट होता है. और हम जानते हैं कि जब कोई भी डिसिप्लिन काफ़ी सारे एरियाज को, सब डिसिप्लिन को कंसिस्ट करे तो वो डिसिप्लिन कहलाया जाता है. वाई एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन? एजुकेशन हैव इट्स ऑन थ्योरी. एजुकेशन के पास खुद का ही थ्योरी है. एजुकेशन हैव सोशल नीड्स, लोगों की ज़रूरत है. रिसर्च कैन बी कैरिड, रिसर्च भी होते हैं एजुकेशन के फील्ड में. जैसे काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट है, जॉन डिवी, पियाजे. एजुकेशन हैबिट्स ऑन स्पेशलाइजिस्ट. एजुकेशन का भी खुद का स्पेशलिस्ट है. एजुकेशन है वेल डिफाइंड फंक्शंस, इसका भी वेल डिफाइंड फंक्शंस है. इट है थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी है और ये प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी है. नेचर क्या है, एजुकेशन हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस. एजुकेशन इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव, बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है. वेरी कम्प्लेक्स मीनिंग, इसका मीनिंग काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है. एजुकेशन है ब्रॉडर मीनिंग, इसका मीनिंग काफ़ी ब्रॉडर है, काफ़ी बड़ी चीज़ों में एजुकेशन यूज किया जाता है. एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड लर्निंग टीचर हैव टू लर्न अलोंग. टीचर भी इसमें स्टूडेंट्स के साथ लर्न करता है. एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लास, ये केवल क्लास तक ही लिमिटेड नहीं है. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रियल नेचर ऑफ एजुकेशन. मेजर रिसर्च इन एजुकेशन, आज के डेट में एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है, आपको एकेडमिक डिसिप्लिन आप थोड़ा बता देना है इसमें, फिर आप बता देना कि एजुकेशन क्रिटिकल एनालिसिस बता देना, फिर एजुकेशन डिसिप्लिन की तरह क्यों होना चाहिए, फिर इसके कारण बता देना, फिर नेचर बता देना, फिर मेजर रिसर्च इन द एजुकेशन. आज के डेट में एजुकेशन में कौन कौन से रिसर्च हो रहे हैं, एडवांसमेंट और ICT टूल्स का, और इंक्लूडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन है, करिकुलम डिज़ाइन हो रहा है, वर्क एजुकेशन है, पीस एजुकेशन है, रिसर्च हो रहा है एजुकेशन के फील्ड में, और पैडागोजिकल काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज अपनाए जा रहे हैं. तो ये सब काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो रहे हैं. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है डिसिप्लिन के फील्ड में. एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, इट इज़ इम्पॉर्ट टू नो दैट एजुकेशन एज ए लॉन्ग टर्म हिस्ट्री. एजुकेशन का एक काफ़ी पुराना इतिहास है, काफ़ी प्राचीन समय से एजुकेशन का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. इम्प्रूव एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशन आने से क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया. पहले विदाउट ट्रेनिंग टीचर्स जाते थे, लेकिन अब विद ट्रेनिंग जाते हैं तो हमारा एजुकेशन प्रोसेस अच्छा हो रहा है. कंसेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, एजुकेशन में हमारा कंसेप्ट होता है, थ्योरीज होते हैं एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. टू नो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, एजुकेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के. बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, एजुकेशन जो है हमें सोशल नीड्स के बारे में बताता है. फाइंडिंग द ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में बताता है, ट्रुथ को पता करने में मदद करता है एजुकेशन. और एजुकेशन किन किन फील्ड में हम काम आता है, पॉवर्टी को ख़त्म करता है, रिमूविंग द पॉवर्टी, एडवांसमेंट ऑफ ICT टूल्स का एडवांसमेंट करता है. सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है. टेररिज्म से बचाता है हमें. रिसर्च ऑन हायर एजुकेशन, करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट सेकेंड क्वेश्चन. एजुकेशन इज अ सोशली कॉन्ट्रीब्यूटेड, एजुकेशन एक सोशली कॉन्ट्रीब्यूटेड क्यों है, सोशली और इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट फैक्टर है. एजुकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं, तो ये आपको बताना है. एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड इज द मिरर ऑफ नेशन, एजुकेशन ही एक देश का भविष्य है. विदाउट एजुकेशन हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा. एजुकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरिंग बाय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय विच इज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स. एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है काफ़ी ज़्यादा क्रिशियल रोल प्ले करता है. देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन.
पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में हम लिखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सिस्टम। जियोग्राफिकल फैक्टर से हमारा एजुकेशनल सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है। जियोग्राफिकल इन द सेंस ऑफ क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट होगा बच्चा वैसा ही जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में आएगा, यदि क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा। और लैंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, किस जगह पे स्कूल है, किस जगह पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कैसा बिल्डिंग है वहाँ का, कैसा प्लेग्राउंड है, कई विलेज और लोकेशन में स्कूल है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। तो जियोग्राफिकल एरिया इज़ द बेस्ट टूल फॉर इफेक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से भी हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल्स को हम अडॉप्ट करते हैं, तो उस कल्चरल के बिहाफ पे हम क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटरचेंज रिलेशंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इससे दूसरे देशों का हम कल्चरल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है या इफेक्ट डाल रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इफ़ इकोनॉमिक कंडीशन इज़ पुअर, यदि आपका इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है तो एजुकेशन बिकम्स बैकवर्ड, तो आपका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनी इज़ टू बेसिक टूल्स फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक फैक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इकोनॉमी, यदि आपका इकोनॉमी अच्छा है देर इज़ ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी, यदि आपका इकोनॉमी अच्छा है तो आप जाहिर सी बात आप अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर पाओगे। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। रिलीजियस वैल्यूज़ को, जैसा कि आप रिलीजियस होगा उसी रिलीजन में उसी प्रकार के एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, एथिक्स के बारे में बताया जाता है, तो रिलीजियस वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एजुकेशन को अपना इन्हेंस कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल हेल्प, इंटरनेट, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन के फील्ड में। हिस्टोरिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। फैमिलीज़ भी इफ़ेक्ट करते हैं एजुकेशन को, क्योंकि फैमिली के जो बैकग्राउंड होते हैं, स्टेटस होता है, थिंकिंग होता है, तो ये भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। लैंग्वेज आल्सो इफेक्ट द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, तो ऐसे में जो इफ़ ए स्टूडेंट वुड नॉट नो देयर नेशनल लैंग्वेज, यदि स्टूडेंट को नेशनल लैंग्वेज नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं इसको एजुकेशन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को इफ़ेक्ट करता है, जैसे जैसे कि हिजाब पहनना है, किसी मुस्लिम धर्म में होता है हिजाब पहन के आपको जाना है, तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर्स रहता है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस जो हमारा एजुकेशन है वो इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन जो सोशल कल्चरल है मुस्लिम का वो प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिसीज़, फंड, ये भी गवर्नमेंट की द्वारा पॉलिसीज़ यदि फ़ंड दिया जाए तो ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर आ जाएगा इसमें, रिलीजियस फैक्टर आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आ जाएगा, रिलीजियस एंड स्क्रिप्चुअल्स आ जाएगा, लैंग्वेज फैक्टर्स आ जाएगा, फैमिलीज आ जाएगा, एंड सो ऑन। इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में मैंने बता दिया है। एकेडमिक डिसिप्लिन अप्रोच इन विच टू और मोर डिसिप्लिन कोलैबोरेट, जिसमें दो और दो ज़्यादा डिसिप्लिन कोलैबोरेट होते हैं, तो इंटरडिसिप्लिन का आपको क्रिएटिविटी इसमें बढ़ता है, इसमें इंटीग्रेशन अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इंटरडिसिप्लिन इंजॉयज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ज़्यादा होता है, मेनी इंटेलेक्चुअल सोशल पार्टिकल्स प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स इंटरडिसिप्लिन अप्रोच कंटेंट, तो ये सब इंटरडिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको करवा दिया है। तो इंटरडिसिप्लिनरी को फिलोसफी हेल्प कैसे करता है, फिलोसफी हेल्प्स टू लुक फॉरवर्ड इन लॉन्ग टर्म, साइकोलॉजी पैडागोजी टेल्स हाउ टू अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन, और साइकोलॉजी कैसे प्रभाव करता है, फिलोसफिकल कैसे प्रभाव करता है, और ये आपको लिखना होगा, तो ये आप लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल टू मच डीप इन दिस टॉपिक, तो आप उतना भी मत पढ़ कीजिए, लास्ट टाइम आप वही कीजिए जो एग्ज़ाम में आने वाला है। नाउ कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज टू प्रोवाइड ए ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर इंसाइटफुल कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिविज्म लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी अबाउट हाउ पीपल लर्न, इट सजेस्ट दैट पीपल क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग्स, इसमें पीपल अपना ही अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, अपनी समझ को विकसित करता है। अंडर डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड इंसाइट थ्योरी, और ये लिख लीजिएगा आप, थोड़ा बता दीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इशूज़ एंड चैलेंजिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन, कौन कौन से इशूज़ और चैलेंजेस हैं इंडियन एजुकेशन के सामने, ये आप बताइए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक काफ़ी ज़्यादा मुख्य रोल भूमिका निभा रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी आजकल अच्छी नहीं मिल रही है,
लॉस ऑफ अटेंशन, बुक्स, रोड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडियन पेरेंट्स मार्क्स लाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि लर्निंग पे, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको डीप नॉलेज नहीं है, डीप मेथड्स नहीं पता कैसे प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, कैसे पढ़ाया जाए। पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कौन कौन से चैलेंजेस है, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर, पॉवर्टी भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। कास्ट रिजर्वेशन, पता है करप्शन इसलिए, क्योंकि करप्शन जो है, करप्शन से क्या होता है, जो करप्शन हमारे हर डिपार्टमेंट में आजकल बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कास्ट रिजर्वेशन एंड पेड सीट, किसी भी स्कूल में यदि वैकेंसी होती है या किसी भी टाइप का सीट्स खाली होता है तो उसको पहले ही बेच दिया जाता है, तो ये कई तरह का गलत चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सब कुछ भी स्कूल्स के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बोर्ड नहीं है, फैन नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। स्टूडेंट टीचर रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है टीचर्स का, मैं तो टीचर्स पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते, ड्रॉप आउट रेट, बच्चे स्कूल के बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाया जाता बच्चों को, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जब देखते हैं कि एजुकेशन लेने के बावजूद भी बंदा कोई जॉब नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में ये हमारे एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। कॉस्टली हायर एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हाईली है, बहुत ही महंगा है, इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। हम टीचर्स को ट्रेन करके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा के, APPV मॉडल को अपना के, फोकस ऑन स्किल बेस्ड, स्किल को फोकस करके, करिकुलम को डायनेमिक करके, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज अपना के, शॉर्ट एक्शंस बाय गवर्नमेंट, प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स को, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, नेगलेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज को नेगलेक्ट किया जा रहा है आजकल, तो ये सब इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए इंडियन लैंग्वेज को। द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन में क्या होता है कि बच्चे, अपने देश के बच्चे जो दूसरे देश में काम करने जाते हैं तो वो अपने इंडिया को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियाज के टैलेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं होता प्राइमरी एजुकेशन पर, 10 पॉइंट लिखने हैं जिससे आप किसी भी इम्प्रूवमेंट को कर सके थे। PPP मॉडल अपना के, टीचर्स का ट्रेनिंग करके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा के, तो क्वालिटी, टीचर्स ट्रेनिंग, PPP मॉडल, फोकस स्किल्स के ऊपर ध्यान देके, करिकुलम को डायनेमिक करके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपना के, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, फैसिलिटीज़ देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ब्रेन ड्रेन को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, और प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिंकेज बिटवीन स्कूल एंड अदर डेवलपमेंट, स्कूल का अदर डेवलपमेंट से क्या लिंक है, यदि आप एजुकेशन को प्रोवाइड करते हो ग्रहण, तो आपका अदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है। जैसे ही आप एजुकेशन को लोगे प्रोवाइड, वो एजुकेटेड हो गए, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट आपका यही होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होगा। एजुकेशन इज ए की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यदि आप सही से एजुकेटेड रहोगे तो आप इकोनॉमी रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहोगे। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद नॉलेज स्किल्स, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू सिक्योर, उनको हायर पेइंग जॉब्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन के द्वारा हम किसी भी सोशली नॉर्म्स को चैलेंज कर सकते हैं, हमें पता चलेगा सोसाइटी में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ सकती है, और मार्जिलाइज ग्रुप को हम पहचान सकते हैं गलत हो रहा है जिनके साथ, गर्ल्स को मोनिटराइज कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं डिसेबल्ड पर्सन को, तो सोसाइटी में हमारा सोशल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा। इनइक्वालिटी को पहचान सकते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग, यदि आप कहीं ना कहीं एजुकेशनल के से लिंक करोगे तो आप कहीं ना कहीं हेल्दी रहोगे, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन को हेल्थ के बारे में पता रहता है, हेल्थ इशूज़ के बारे में पता रहता है। जेंडर इक्वलिटीज़ कहीं ना कहीं आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी जेंडर के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उसे पता रहता है कि जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए हमें। एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी सही रहेगा, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन एनवायरमेंट को पहचानता है, एनवायरमेंट में अपनी सही भूमिका निभाता है, एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं करता है। और पीस एंड सिक्योरिटी, देश में शांति रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी रहेगी सबके पास, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस को वो बर्दाश्त, इट प्रमोट्स टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेगा।
तो ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे कि यदि आप लिंकेज ऑफ एजुकेशन ऑफ अदर डेवलपमेंट, तो इसमें आप लिख दोगे 6 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हो, पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, जेंडर, हेल्थ इशूज, और ये लिख दोगे सोशल डेवलपमेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल, कौन कौन से डायमेंशंस आजकल स्कूल एंड टीचर एजुकेशन में उठ रहे हैं। तो फिजिकल डायमेंशंस, बिल्डिंग की हालत सही नहीं है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट टीचर क्लास में सही नहीं है, तो फिजिकल डायमेंशंस पहला हो गया आपका। एकेडमिक डायमेंशंस, बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स को नहीं किया जा रहा बीच बीच में, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है बुक में। सोशल डायमेंशंस, गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर होना चाहिए, और तो ये सब आपके सोशल डायमेंशंस में आ जाएंगे। तो एकेडमिक हो गया हमारा, फिजिकल हो गया, एकेडमिक हो गया, सोशल हो गया, लर्निंग डायमेंशंस होने चाहिए, सपोर्टिव टीचिंग होना चाहिए, सेफ्टी डायमेंशंस होने चाहिए, रूल्स अबाउट वर्बल अब्यूजेस, डायमेंशंस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो कैसे कौन कौन से डायमेंशंस है, डायमेंशंस ऑफ फैसिलिटीज होनी चाहिए, और तो इन सब को कैसे इम्प्रूव करोगे, कौन कौन से मेथड्स हैं इसको इम्प्रूव करने के। डायमेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ में टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट में सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इमोशनली रूप से बच्चा, फिजिकली रूप से, सब चीज़ से बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और कैसे इम्प्रूव करोगे, डेवलप डिज़ाइन तैयार करके बच्चों के लिए, ट्रेन स्टाफ को ट्रेन करके, और फैमिली को इंगेज करके, और भी क्या होगा, स्टाफ को इम्पोर्टमेंट करेंगे, एम्पावरमेंट बढ़ाएंगे, तो ये सब तरीका है। वेरियस डायमेंशन ऑफ मॉडर्न टीचर्स, वेरियस डायमेंशन ऑफ मॉडर्न टीचर एजुकेशन, नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, नॉलेज ऑफ चाइल्ड के नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, नॉलेज ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ को करेंगे, नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, नॉलेज ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशन, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा इसमें। That's all about unit number 2.